शेयर बाजार इन दिनों रिकॉर्ड रैली के दौर से गुजर रहा है और इसका फायदा उठाने के लिए एक के बाद एक कंपनियां आईपीओ लेकर आ रही हैं और बाजार में उतर रही हैं। इसी में एक नाम नीवा बुपा का है। नीवा बुपा ने आईपीओ लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP जमा कर दिया है। सेबी की ओर से आईपीओ के मसौदे पर ग्रीन सिग्नल मिलते ही कंपनी बाजार में अपना आईपीओ लेकर आ जाएगी। नीवा बुपा को हम पहले मैक्स बुपा लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जानते थे। कंपनी की योजना आईपीओ के जरिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की है। नीवा बुपा आईपीओ और 3 जुलाई को आ रहे एमक्योर फार्मा और बंसल वायर आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स देते हैं आपको वीडियो में आगे। तो 3 आईपीओ पर हमारी नजर है। सबसे पहले बात करते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की। ड्राफ्ट पेपर के मुताबिक कंपनी फ्रेश शेयर जारी करके 800 करोड़ रुपए जबकि ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए बाकी करोड़ों रुपए जुटाने की योजना लेकर आई है। OFS के माध्यम से बुपा सिंगापुर होल्डिंग्स PTE में 320 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपने हिस्सेदारी बेचेगी। बुपा सिंगापुर होल्डिंग्स की नीवा बुपा में करीब 62% से थोड़ी सी ज्यादा हिस्सेदारी है और इसी तरह फेटल टोन LLP में 1,880 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी और इसके पास कंपनी की 27.86% हिस्सेदारी है। कहा जा रहा है कि कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 160 करोड़ रुपए तक जुटाने पर विचार कर सकती है और अगर कंपनी इस तरह का प्लेसमेंट लाती है तो फ्रेश इशू का साइज कम किया जा सकता है। कंपनी का इरादा आईपीओ से मिली रकम में से करीब 625 करोड़ रुपए का इस्तेमाल पूंजी आधार बढ़ाने और सॉल्वेंसी लेवल को मजबूत करने पर लगाने का है। बाकी बची रकम का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट गतिविधियों में किया जा सकता है। कंपनी इशू का 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जबकि 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए रखेगी। रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा 10% से ज्यादा नहीं होगा। कंपनी ने फिलहाल आईपीओ के प्राइस बैंड का खुलासा नहीं किया है। ICICI सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल, HDFC बैंक और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नीवा बुपा आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर होंगे जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज इशू का रजिस्ट्रार है। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइडर है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी की कुल कमाई 1,884 करोड़ रुपए थी जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर करीब 2,859 करोड़ रुपए रही जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये उछलकर 4,118 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई। FY22 में कंपनी को 196.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था जबकि FY23 में 12.54 करोड़ रुपए और FY24 में 81 करोड़ रुपए का मुनाफा देखा था। नीवा बुपा के बाद अब रुक करते हैं 2 और आईपीओ के बारे में जो आने वाले हैं, बाजार का रुख कर चुके हैं। 3 जुलाई को एमक्योर फार्मा और बंसल वायर का आईपीओ उतरेगा। एमक्योर फार्मा आईपीओ के प्राइस बैंड की रेंज 960 से 1,008 रुपए है। इन्वेस्टर ग्रेन के मुताबिक अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP 295 रुपए पर चल रहा है यानी स्टॉक की लिस्टिंग 1,303 रुपए पर होने के संकेत अभी मिल रहे हैं। इसी तरह बंसल वायर के आईपीओ का प्राइस बैंड 243 से 256 रुपए है और फिलहाल इसका GMP 65 रुपए है। हाल ही में सेबी ने 2 और कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी दी है। बेबी प्रोडक्ट की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनी फर्स्ट क्राई और ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी यूनिकॉमर्स के आईपीओ के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसी के साथ उनके बाजार में उतरने का रास्ता भी साफ हो गया है। फर्स्ट क्राई आईपीओ से करीब 1,815 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। वहीं यूनिकॉमर्स की प्लानिंग आईपीओ से 480 से 490 करोड़ रुपए जुटाने की है। इस तरह सेबी से जिन 2 कंपनियों को आईपीओ लाने की हरी झंडी मिली है उनका साइज मिलाकर 2,300 करोड़ रुपए के आसपास रहने वाला है। आईपीओ में पैसा लगाकर रिटर्न कमाने की इच्छा रखने वालों को आने वाले दिनों में कई मौके मिलने वाले हैं क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी अपने आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। हुंडई मोटर इंडिया का भी आईपीओ आने वाला है तो कई बड़े कंपनियों के आईपीओ कतार में है। ऐसे में छप्पड़ फाड़ रिटर्न कमाने के लिए पैसे तैयार रखिए।